लाजवाब लजीज पहाड़ी कद्दू और आलू की सब्जी। तो इसमें अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, टिका पर्सन बहुत ही बेहतरीन, 10 साल पहले बनाया था। इसमें लाल चाय बना रहा हूँ, आज दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। शाम के 4 बज रहे हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है, क्योंकि सुबह से काफ़ी बारिश थी और इस वजह से मैं कहीं भी जा नहीं पाया और ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। क्योंकि आपको जैसे मालूम ही होगा कि आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है। शाम की चाय पी दी है और आज का पूरा दिन भर खाना पीना बनाया और खाया, बाकी कुछ विशेष काम हो नहीं पाए। तो दोस्तों, आज कल मैं इस बुक का अध्ययन कर रहा हूँ, संस्कृति का प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन एक बुक है। ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आधार पर है और ये मेरा भी एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी का, और संस्कृति का प्रश्न बहुत ही अच्छी ये किताब है। कौन कौन सी चीज़ें आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं और आदमी किन किन चीज़ों से सीखता है। सीखने वाला इंसान सूखे हुए पत्ते से, बहती हुई नदियों से, पंछियों की चहचहाट से, बीते हुए कल से काफ़ी कुछ सीख सकता है। दोस्तों, शाम के 6 बज गए हैं और मैं यहाँ पे आज कद्दू की सब्जी लगा रहा हूँ, कद्दू की सब्जी। तो अब मैं वहाँ अपने किचन में दादी जी के लिए मैं लाल चाय बना रहा हूँ। आज दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो दादी जी से थोड़ी सी बात तलाब कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रखी है दादी जी के लिए ब्रेक टी। दादी क्यों होने पे? क्यों हो? दादी जी को बुखार आ रहे हैं तो मैंने घरेलू इलाज कर दिया दादी जी का। तो अभी मेरे पास जड़ी बूटियाँ तो थी नहीं, जड़ी बूटियाँ तो फार्म हाउस में हैं, तो मेरे पास एक मेडिसिनल बॉक्स भी है आपातकालीन, जो कि मैं हर ए टू टाइम अपने पास रखता हूँ, अपने घर में रखता हूँ। मेडिसिनल बॉक्स में रहती है हमेशा ए टू टाइम दवाइयाँ। और ये बॉक्स मैंने 10 साल पहले बनाया था, इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ रहती हैं। तो ये गैस की दवाइयाँ हैं, ये चोट चाट की दवाइयाँ हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ मैंने रखी हैं। इसे गोली दादी को दे दी है। अरे अब आराम भी चे, थोड़ा आराम भी चे। हाँ, मैंने दादी जी को ये दवाई दे दी है। आज दादी जी थोड़े से बीमार हैं तो कुछ ही देर में दादी जी पे ये दवाइयाँ असर कर देंगी, दादी जी हमारे ठीक हो जाएंगी। तो फिलहाल ये बॉक्स हमेशा मेरे पास रहता है। काफ़ी सारे लोग जब भी कोई इमरजेंसी, किसी को हमारे पड़ोस में कोई बीमार होता है तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयाँ अपनी तरफ से देता हूँ। दादी जी को सबसे पहले मैं ब्लैक टी पिलाऊँगा। ले दादी जी पियेंगी ब्लैक टी। ठीक है दादी, ठीक है ब्लैक टी। दोस्तों, मैं भी ब्लैक टी पीऊंगा। आज मैं बनाऊंगा घर के कद्दू की सब्जी और उसके साथ है आलू बॉयल। घर के पहाड़ी आलू मैंने बॉयल कर रखे हैं, ये मैंने छील रखा है, लहसुन और ये है घर का प्याज। सभी ऑर्गेनिक सब्जियां मैंने यहाँ पे काट रखी हैं। तो बनाऊंगा मैं अभी कुछ ही देर बाद, तब तक चाय पी लेंगे ब्लैक टी। दोस्तों, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी सब्जी रखूंगा। दोस्तों, चाय भी पी दी है और अब धोते हैं पहले बर्तन। ये हमारी भन मजोनी है, पहले बर्तन धोऊंगा और उसके बाद तब सब्जी बनाऊंगा। दोस्तों, ये हैं हमारी कढ़ाइयाँ और ये गैस में सब्जी बनाने वाली कढ़ाई है, तो इसमें बनाएंगे सब्जी। यहाँ पे मैंने जला दिया है गैस, अब डालूंगा मैं इसमें ऊपर से तेल। ये पड़ गया है हमारी कढ़ाई में तेल, डालेंगे इसमें सरसों तेल में। सरसों पकना शुरू हो गया, इस पे आवाज आती है फटने की। हमारा सरसों अब पकना
स्टार्ट हो गया है। डाल देंगे ऊपर से ये लहसुन की फली, इसको भी भुरभुरा होने देंगे। अब डाल दिया हमने ऊपर से प्याज, अब हमारा ऊपर से प्याज पड़ गया है तेल में, और अब हम इसको हल्का सा कच्ची से घुमाएंगे, हल्की सी कच्ची को चलाएंगे ऊपर से। अब गैस की आंच हम कर देंगे कम, और अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो ये हैं हमारे मसाले, इसमें है हल्दी पाउडर, इसमें मिर्च पाउडर, इसमें धनिया पाउडर, और ये है हमारा नमक एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, मिर्चा पाउडर और एक चम्मच नमक, और दो चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और दोस्तों आधा चम्मच लगभग किचन किंग मसाला। हल्की सी आँच तेज कर देंगे, और अब इसको प्याज के साथ मसाले को इसी प्रकार से पकाएंगे। तब तक इसको मसाले को पकाते रहेंगे जब तक हमारे प्याज अच्छी तरह से भुन ना जाए, ब्राउन कलर का ना हो जाए। दोस्तों आजकल टमाटर काफ़ी महंगा हो रखा है, तो हम टमाटर नहीं डालेंगे। आपको मालूम होगा कि आजकल टमाटर काफ़ी महंगा हो रखा है, तो हमने टमाटर खाना बंद कर दिया है, और मैं फ़िलहाल टमाटर नहीं डालूंगा। वैसे मेरे पास अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक टमाटर का एक पेड़ है, मैं ऑर्गेनिक टमाटर भी डाल सकता था, लेकिन अभी उस पर फलियाँ टमाटर की हैं, अभी पकी नहीं हैं। ये मेरा बारहमासी टमाटर का पौधा है, तो इस पर अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, कुछ ही दिन बाद ये पक जाएंगे। तो इन टमाटरों को भी मैं डाल सकता था, लेकिन डालूंगा नहीं। तो ये मेरा प्याज भी ब्राउन हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगा ऊपर से सब्जी ऐड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऊपर से सब्जी भी ऐड कर दी है, आलू और घर का पहाड़ी कद्दू, जिसे हम तुमड़ा भी बोलते हैं, तुमड़ी। और आज इस साल की पहली कद्दू की सब्जी है, इसको हमारे यहाँ पे पहाड़ी भाषा में नई नवाड़ बोलते हैं, जो कि कल बसंती चाची ने हमें दिया था। तो कल मैंने लौंग की दाल बनाई थी, तो इसलिए कल नहीं बना पाए हम, और आज बना रहे हैं फर्स्ट क्लास कद्दू की सब्जी, पहाड़ी कद्दू की, पहाड़ी स्टाइल में सब्जी। तो ये हमने यहाँ पे मसाले अच्छी प्रकार से सब्जी में मिक्स कर दिए हैं, अब मैं ऊपर से इसमें पानी ऐड कर दूँगा, लगभग आधा लोटा पानी डाल देंगे। ये डाल दिया है मैंने आधा लोटा पानी, और ऊपर से रख दूँगा मैं एक बड़ी थाली, ये डाल दूँगा मैं ऊपर से ढक्कन, और थोड़ी सी गैस की आँच तेज़ कर लेंगे। अब मैं इस सब्जी को आधे घंटे तक पकाता रहूँगा, आधे घंटे बाद मिलते हैं। दोस्तों आधे घंटे बाद हमारी सब्जी बिल्कुल पक कर के तैयार हो गई है, अब इसको कच्ची से खोदेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारी सब्जी भली भांति मैश हो गई है, लाजवाब लजीज पहाड़ी कद्दू और आलू की सब्जी। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं पहाड़ी कद्दू की लजीज लाजवाब सब्जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।